प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के प्रमुख शरद पवार को साथ आने को कहा था। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जब पवार परिवार तोड़ा पक्ष तोड़ा तब इनको याद नहीं आई। ये शाह फुले अम्बेडकरों का महाराष्ट्र है और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, और ये महाराष्ट्र का अपमान बार बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है, किसानों का किया है, यहाँ के उद्योग लेकर यहाँ के युवाओं को बेरोजगार किया है, और उसका बदला महाराष्ट्र ने लेने का तय कर लिया है। और ये डर के वजह से जो उनके पास रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट के आधार पर ये डर गए हैं और इसलिए अपनी सभाएं ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन सभा लेने से उल्टा महाविकास अघाड़ी को ही फायदा है। आज भी अगर वो नंदुरबार में कहते कि शरद पवार जी को अपने तरफ बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल है कि उनका घर तोड़ते समय उनको याद नहीं है, उनकी पार्टी तोड़ते थे हमें उनको याद नहीं आई, और अब हारने का डर मोदी जी को पैदा हुआ है, इसलिए हर लोगों को टटोल रहे। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने मान्य करना चाहिए कि मैं इस बार हम सत्ता में नहीं आएंगे, इस तरह की उनकी जो हालत हुई है वो स्पष्ट हो चुकी है, और इसलिए इस तरह के वक्तव्य वो लोग कर रहे हैं।